सुशीला किचन में आज सर्दी की बहुत ही स्पेशल चीज बनने वाली है, वो है मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू सर्दी में हर घर में बनते हैं, तो मेरी जो रेसिपी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आइए बनाते हैं मेथी के लड्डू। ये एक कप दाना मेथी का पाउडर है, इसमें हम डालेंगे एक चम्मच घी, इसमें हम डालेंगे दूध और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध हमने इतना डालना है कि बस इसका टाइट टाइट एक डो बन जाए। ये देखिए, इस तरह का हमने इसका डो बना दिया, जैसे हम आटा लगाते हैं ना रोटी के लिए, बस वैसा। और इसमें एक चम्मच घी हम ऊपर से और डाल देंगे। ये इस मेथी को हम लगभग कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। लगभग 3 घंटे हो गए हैं, हमने मेथी को भिगो के छोड़ा था दूध में। और ये देखिए ऐसे हो गई है। अब इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, जिससे इसका पाउडर फॉर्म बन जाएगा। ग्राइंड करने के बाद जो हमारी मेथी है ना, वो ऐसे हो गई है। अब हम इसे घी में सेकेंगे। एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, कई बार क्या होता है कि हम लोग पहली बार मेथी को भिगो रहे हैं, या कई बार अनजाने में भी दूध थोड़ा सा ज़्यादा डल गया तो मेथी हमारी गीली रह जाती है। तो हम यदि उसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे ना, तब भी थोड़ी सी चिप चिप ऐसे रहेगी। तो यदि ऐसा हो जाए तो उसको थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दो और उसके बाद उसको छान लो। जब आप छानोगे ना तो बिल्कुल ऐसी रहेगी। पंखे के नीचे रखने से हवा लग जाएगी और जो गीलापन है ना, वो थोड़ा सूख जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं। इसको सेकने के लिए बहुत ज़्यादा घी की जरूरत नहीं होती। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है और ये हम मेथी इसमें डाल के और सेकेंगे। ये देखिए, मैंने अभी स्टील का पलटा लिया है, कारण कि चाहे दाल सेके चाहे मेथी सेके, हमें आखिर तो ये जो देसी हथियार है ना, वो ही हाथ में लेने पड़ते हैं। ये सब तो दिखावे के होते हैं, तो जब हम घर में बनाएंगे ना तो इन्हीं पलटों को यूज करेंगे। चाहे आप लोहे का पलटा यूज करें चाहे स्टील का पलटा यूज करें, लेकिन हैवी पलटे से ही सिकाई होगी। ये देखिए, मेथी हमारी सिक गई है, इसमें खुशबू आने लग गई और एक एक दाना अलग हो गया है। ये देखिए, यही पहचान है मेथी की सिकने की। ये देखिए, कलर भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसका मतलब मेथी हमारी सिक गई। इस मेथी को हम निकाल के अलग से एक बॉल में रखते हैं, बाद में मिक्सिंग होगी। ये देखिए, मेथी हमने सेक ली और इसे हम अलग रख रहे हैं। जितनी हमने मेथी ली थी ना, उतना ही हम गोंद ले रहे हैं। एक बॉल मेथी थी, एक बॉल दी। इस गोंद को मैं मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड करूंगी। सब लोग गोंद को पहले से अलग से फ्राई करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं आटे को थोड़ा सा गीला भूनती हूँ, मतलब थोड़ा सा ज्यादा घी डाल के आटे को हम सेकते हैं। और जब हमारा आटा अच्छे से करारा सिक जाता है, तब ये जो पिसा हुआ गोंद होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा हम आटे में डालते हैं, तो गोंद आटे के साथ फूलता चला जाता है। तो बिल्कुल सिंपल भी रहता है, वेस्टेज भी नहीं होती और इजी भी रहता है। एक बोल हमने मेथी का लिया था, उतना ही गोंद लिया और उससे जस्ट डबल, यानी कि 2 कप का डबल हो गया आटा। 4 कप हमने आटा लिया है, 1 कप मेथी, 1 कप गोंद और 4 कप आटा। आप इस रेशो को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट मैं इतना ही लेती हूँ। गोंद का हमने पाउडर बना लिया, अब हम आटे को घी में सेकना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये लगभग 3 कप घी मैंने डाला है। कढ़ाई मैंने चेंज कर ली क्योंकि मैंने थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनाने हैं, आटा भी ज्यादा है, तो हम खुला सेक सके अच्छी तरह से, इसलिए कढ़ाई चेंज कर ली है। तो 4 कप आटा है, ये देखिए, और लगभग 3 कप घी है। हमें जरूरत होगी तो हम घी और डाल देंगे। इस आटे को हम ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, जो घी है ना,
आप ये देखिए जरा एक बार, बहुत कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। देखिए ऐसा, एक बार जब हम शुरुआत में सेकना शुरू करते हैं ना, तब ऐसा रखना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत सूखा भी नहीं है और बहुत गीला भी नहीं है। ये देखिए आटा लगभग आधा सीख गया है। इसमें हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे, इतना घी हमने और डाल दिया। ऐसा पतला हम आटे को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए घी काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए जब हम गोंद डालेंगे ना तो घी सारा गायब हो जाएगा, इसमें से एकदम सूखा सूखा हो जाएगा। काफी कुछ हमने अभी इसमें डालना है। ये देखिए आटे का कलर अच्छा खासा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची। ये देखिए कम से कम एक कप यदि हम आटा लेते हैं तो एक कप आटे में 10-12 काली मिर्ची डलती है। काली मिर्ची का अपना एक अलग ही टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके गोंद। देख गोंद इसके अंदर ही देखिए अच्छे से फूल रहा है। आटा आप, मैंने 4 कप डाला है ना, आप 5 कप भी डाल सकते हैं। आटा हम 4 कप डालें या 5 कप डालें, तरीका यही सेम रहेगा। गोंद को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जैसे एक बार का फूल जाए फिर और डाल दो, फिर फूल जाए फिर और डाल दो, ऐसे ऐसे करके। और देखिए बड़ी कढ़ाई लेने का फायदा भी देखिए आप, हम अच्छी तरह से चारों तरफ इसको घुमा सकते हैं। जितना हमने गोंद लिया है, जितनी मेथी ली है, उतना ही हम डालेंगे बादाम। बादाम भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छे से सिक जाएगा बादाम भी। मैंने पलटा चेंज कर लिया क्योंकि सिलिकॉन पलटे से अच्छी तरह से हिलाया नहीं जा रहा था, तो पलटा मैंने ये अपना देसी पलटा स्टील वाला ले लिया है। आधा कप डालेंगे खसखस। खसखस भी इसके साथ ही अच्छी तरह से भुन जाएगी। देखिए अब हम इसमें डालेंगे ये मेथी जो कि हमने अलग रख दी थी। ये भी थोड़ी सी, जो इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा ना तो वो इस आटे के अंदर निकल जाएगा। तो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर। ये देखिए 1 कप ही हमने कोकोनट पाउडर लिया है, अच्छी तरह से ग्रेट किया हुआ हमारा कोकोनट है, तो ये भी हम 1 कप डालेंगे। एक कप बादाम, 1 कप गोंद, 1 कप मेथी, ये सब तो 1-1 कप डालेंगे। अब बाकी जो है आटा है आप दुगना भी डाल सकते हैं और आप उससे थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं। 1/2 कप काजू लिए हैं, ये भी ऑप्शनल है। मिक्स बीज आते हैं मार्केट में, इसमें 7 तरह के बीज हैं। आप 1 तरह के डालो, 2 तरह के डालो, 5 तरह के डालो, मैंने ये सारे मिक्स बीज हैं इसमें डाले हैं। 1/2 कप मैंने इसमें बीज डालना है। ये भी हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं बीज भी, इसमें 7 तरह के बीज हमने डाल दिए। एक और ऑप्शनल आइटम है पिस्ता। पिस्ता देखने में बहुत सुंदर लगता है, खाने के तो इसके अपने अलग बेनिफिट है ही है, बट देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए गैस को कर देंगे हम बंद। एक लास्ट आइटम जो है वो डाल रहे हैं छुआरा।
आधा कप हम इसमें छुआरे का पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी डाल देंगे इलायची, ये 8 से 10 इलायची है जिसका पाउडर मैं डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा हमारे हाथों को टच कर सके हम, बहुत तेज गर्म ना लगे, इतना जब रह जाएगा ना तब हम इसमें पूरा चीनी मिलाएंगे। और जो लोग शुगर पेशेंट है पूरा चीनी भी यूज नहीं करते, मिश्री भी नहीं खाते, स्टीविया यूज कर सकते हैं। और ये देखिए ये सारा का सारा मिक्सचर एकदम से रेडी हो गया। ये मिक्सचर हमारा देखिए हाथों को हम गर्म नहीं लग रहा ज़्यादा, इसमें हम डाल रहे हैं चीनी। ये जो बूरा चीनी है ये मैंने डाले हैं अभी 3 कप, अच्छे से मिक्स करके हम इसको टेस्ट कर लेंगे, यदि हमें कम लगा तो और ऐड कर लेंगे, नहीं तो ठीक है। और यही लड्डू हम बुजुर्गों के लिए यदि बनाते हैं घर में, हमारे हम अपने बुजुर्गों के लिए यदि बनाएंगे ना, तो कोई भी चीज़ साबुत नहीं रखनी, बादाम भी पाउडर फॉर्म में यूज़ कीजिए, जितना भी ड्राई फ्रूट सीड्स सब आप एकदम पाउडर फॉर्म में यूज़ कीजिए, जिससे खाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स मैंने 3 कप इसमें बूरा चीनी डाली है, वो बिल्कुल परफेक्ट, आप भी टेस्ट करके देख लीजिएगा, कहीं ऐसे नहीं हो कि इतनी मेहनत करिए और लड्डू बहुत ज़्यादा मीठे हो जाए या कम मीठे रह जाए। लड्डू बनाने के लिए ना ये देखिए ऐसे थोड़ा सा हमने लिया, और ये जो 2 उंगलियां ना इस तरह से हम लड्डू बनाते हैं ऐसे, ये देखिए इससे क्या है लड्डू की जो शेप है ना वो बहुत अच्छी बैठती है, ये देखिए। और थोड़ा सा लिया पिस्ता और इस पर ऐसे पिस्ता लगाया और एक बार और ऐसे कर दिया, ये बन गया लड्डू, ये देखिए। ये जो 2 फिंगर है ना इनका पूरा प्रेशर रखना चाहिए, ये मेरी माँ ने मेरी नानी माँ से सीखी और मेरी माँ से मैंने सीखी, शेप बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद आती है, मेरी फ्रेंड्स भी कहते हैं कि लड्डू की ये वाली जो शेप है ना ये शेप नहीं बनती हमसे, तो आज मैंने आपसे ये शेप बनाना शेयर किया है, प्लीज़ ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, गोल गोल लड्डू की बजाय मेथी के लड्डू ज़रूर से ऐसे बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स ये लड्डू हमने इस तरह से बना के रखे, ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे, और ये जब थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे ना तब हम किसी भी डिब्बे में डाल के रख देंगे, और ये लड्डू ख़राब होते ही नहीं है क्योंकि इसमें मावा नहीं है, कुछ भी गीला नहीं है, इसलिए ये लड्डू ख़राब नहीं होते, पूरी सर्दी के लड्डू आप एक साथ बना के रख सकते हैं। यूट्यूब पर आप अपने एक्सपीरियंस जो भी है शब्दों में मेरे साथ शेयर कीजिए, और अपने मन की बात अपनी रेसिपी मेरे साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, और आप कुछ भी अलग से बनवाना चाहते हैं, कोई नई रेसिपी मेरे से बनवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, और अपना फीडबैक अपना प्यार मुझे हमेशा देते रहिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए, थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में लड्डू तो बनते हैं, तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है मेथी के लड्डू। दाना मेथी के लड्डू हम कैसे बना सकते हैं, इसमें गोंद भी मिक्स होगा और हम इसे कैसे बनाएंगे वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो लड्डू बनाने के टाइम हमें अपने हाथों की रिंग्स हटा देनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा हाथ लड्डू में जाएगा, लड्डू बनाने में जाएगा, तो रिंग्स हाथ में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मेथी का पाउडर लेते हैं हम, ये देखिए ये मेथी का पाउडर है, इसे हम दूध के अंदर फुल क्रीम मिल्क में हम इसे भिगोते हैं, लगभग 5 से 6 घंटे मेथी हमारी भिगोई जाती है, भीगने के बाद मेथी ऐसी हो जाती है। ये एक प्याला मेथी है जो मैंने इसमें दूध में भिगोई थी सुबह, इस समय ये इस पोजीशन में हो गई है। तो मेथी को भिगोने के लिए हमें दूध कितना डालना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस मेथी में मैं इस तरह से दूध मिक्स करूँगी, ये देखिए इसको दूध को मेथी में डाल के और हम इस तरह से मिक्स करेंगे,
तो मैं आपको बता रही हूँ भी कैसी होने के बाद 5-6 घंटे के बाद दूध को पूरी तरह से मेथी सोख लेती है और इसमें लगभग 1 चम्मच हम घी डाल देते हैं। अच्छा शुद्ध घी इसमें मेथी में डाल देते हैं दूध के साथ ही। इस पोजीशन ये देखिए, ये जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं वो थोड़ा सा ढीला रह जाता है, वैसे हल्का सा ढीला ढीला ये देखिए, ये इस तरह से हमारा मेथी भिगो देंगे हम। ये देखिए, ये जब 5 से 6 घंटे मेथी जब भीग लेती है, जब हमारी मेथी ऐसे हो जाती है, अब इसे हम मिक्सी में घुमा लेंगे और ये एक वापस से फिर से सेकने के लिए, भूनने के लिए तैयार हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। इसको हम फिर से पाउडर बना लेते हैं। और 1 प्याला मेथी पाउडर लिया था हमने, 1 प्याला इगोन ले लिया, 1 प्याला कोकोनट ये ग्रेट किया हुआ ये इस तरह से, और 1 फुल प्याला बादाम का। इसी के साथ आप काजू भी डाल लीजिए। मेरे घर में काजू नहीं खाते हैं इसलिए मैंने काजू नहीं डाले। काजू यदि डालना है तो 1/2 प्याला काजू और 1 कटोरी पिस्ता। पिस्ता हम लास्ट में डालेंगे जब मैं आपको बताऊंगी। तो लगभग 1 कटोरी छोटी या आप 1/2 कप पिस्ता कर लीजिए। पिस्ते का खाली सुंदर लगेगा वो, हम पिस्ते को सेकने वाले नहीं हैं, जब हम लड्डू बांधेंगे तब उसमें पिस्ता डालेंगे। इसका भी मैं पाउडर बना लूँगी क्योंकि बादाम भी यदि साबुत पोजीशन में होगा तो उतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना वो एकदम छोटा बारीक हो जाएगा। या ग्रेट कर लो या पूरी तरह से पाउडर बना लो। बच्चे कई बार दिखता हुआ बादाम नहीं खाते हैं तो हम पाउडर बना लेते हैं। बच्चे तो मेथी भी नहीं खाते हैं, मेथी हमारे घर में बड़े ही खाएंगे, बड़े लोग हैं वो मेथी खाते हैं। तो इस जब हम लड्डू बना रहे हैं तब मैं आपको बताऊंगी भी यदि हमें मेथी का ना बनाना हो, खाली गोंद के बनाने हो तो हम कैसे बना सकते हैं। इसमें 2 प्याले मैंने सादा आटा लिया है, गेहूं का आटा, और 1 प्याला सिंघाड़े का आटा लिया है, और 1 कप पोस्त दाना, जो जिसे हम खसखस भी बोलते हैं, पोस्त दाना भी बोलते हैं, 1 कप बारीक किया हुआ पोस्त दाना वो हम डालेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने मेथी को अच्छे से मिक्सी में घुमा लिया है, ये इस तरह से पाउडर बन गया। अब इसको हम घी में सबसे पहले मेथी को भुनेंगे। और एक बात और, जब हम लड्डू बना रहे होते हैं तो घी का कोई अंदाजा नहीं होता कि हमारे लड्डू में कितना घी लगेगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा घी वाला खाते हैं, कुछ लोग कम घी का खाते हैं, कुछ लोग ठीक ठीक खाते हैं। तो घी लड्डू की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट होता जाता है। तो घी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी कि इसमें 1/2 किलो लगने वाला है, 700 ग्राम लगने वाला है, 1 लीटर लगने वाला है, कुछ नहीं कह सकते। तो बस हम बनाते हैं। ये देखिए, ये लगभग मैंने 1 प्याला घी इसमें अभी डाला है और इसमें मैं अभी ये मेथी डाल रही हूँ। ये इस तरह से मेथी को हम पहले सेक लेंगे। ये देखिए मेथी हमारी भून रही है, जब अच्छे से सिक जाएगी तो उसकी क्या पहचान होती है वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे मेथी को सेकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, मेथी हमारी जल्दी सिक जाएगी। ये देखिए मेथी हमारी अच्छे से सिक गई है। इसको ये देखिए, ये हमारे हाथ की चिपक नहीं रही मेथी, और इसमें से खुशबू भी आने लगी है और कलर भी थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो गया है मेथी का। और दूसरी बात, जब हम ऐसे दबाते हैं तो वापस उठ के आती है, ये मेथी के सिकने की पहचान होती है, इसमें खुशबू आई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये बर्तन हमें थोड़ा खुला ही लेना चाहिए। यदि हम छोटी कढ़ाई लेंगे तो उसमें हम अच्छे से हिला नहीं सकेंगे, और नहीं हिला सकेंगे तो अच्छे से सिकेगी नहीं। तो ये हमारी मेथी सिक गई, अब हम इसे किसी दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेथी को सेकने के बाद मैं इसे एकदम अलग से एक साइड में रख रही हूँ, और कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। अब इसमें मैं ये आटा डाल रही हूँ। आटे को सेकते टाइम घी इतना होना चाहिए कि हमारा आटा जो है वो एकदम लिक्विड तरह से हो जाए एकदम। ये देखिए अभी टाइट है, अभी इसमें घी हो जाएगा, हम इसमें थोड़ा घी और डालेंगे। देखिए फ्रेंड, इतना घी हमें आटा सेकने के लिए चाहिए, और आटा
थोड़ा सा अच्छे से करारा सेकना है हमें। जब आटा सिक जाएगा तब इसी आटे के अंदर हम ये गोंद डाल देंगे। गोंद हमारा एकदम बारीक है इसलिए आटे के अंदर ही फूल जाएगा। ये देखिए आटे का कलर चेंज होने लग गया है। आटा हमारा जो है ये देखिए और थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और करारा भुनेंगे। ये देखिए हमारा आटा जो है वो लगभग आधे से ज्यादा भुन गया है। अब इसमें हम आधी कटोरी ये रागी का आटा डालेंगे। रागी क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और सर्दी में भी अच्छी होती है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आप डालिए। आपको यदि रागी नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, लेकिन ये इतना सा रागी का आटा इसमें डाल देंगे। इससे थोड़ा सा कलर जरूर चेंज हो जाता है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स ये देखिए आटा हमारा सिक गया है। इस आटे में हम ये थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। तो काली मिर्च जब इसमें घी में भुन जाएगी तब इसका कड़वापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये घी में भुन रही है अच्छी तरह से आटे के साथ, और साथ ही हम इसमें गोंद डालेंगे। देखिए गोंद को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसमें फूलने लग जाएगा गोंद हमारा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गोंद पूरा फूल जाएगा। ये देखिए ये कढ़ाई पूरी गोंद से भर गई है। अब आपको नहीं लगेगा कि हमने घी ज्यादा डाल रखा है, ये देखिए, क्योंकि गोंद ने सारा घी सोख लिया है। ये देखिए एक बात मैं आपको और बता दी थी, मैंने आपको बताया था ना कि इसीलिए हम गोंद के लड्डू कैसे बनाएंगे, वो भी मैं आपको बीच में बता दूंगी। ये फूल मखाने हैं, गोंद के लड्डू में हम फूल मखाने डालते हैं। ये मैं अभी इसमें नहीं डालने वाली। यदि हमने गोंद के लड्डू बनाने हो तो हम उसमें लगभग डेढ़ प्याला फूल मखाने डाल देते हैं इस तरह से। ये मखाने भी इसमें साथ साथ सिक जाएंगे। ये मैं अभी बनाने के बाद निकाल लूंगी, क्योंकि मेथी के साथ फूल मखाने नहीं चल सकते, क्योंकि मेथी के साथ फूल मखाने हमारे सोगी हो जाते हैं, इसलिए मेथी में नहीं चलेंगे। ये हम निकाल लेंगे बाहर पूरा, जब सारा तैयार हो जाएगा लड्डू बनाने से पहले फूल मखानों को हम बाहर निकाल लेंगे। गैस को हमने धीमा कर दिया एकदम। अभी इसमें हम बादाम जो हमने मिक्सी में घुमा लिया था ये डाल देंगे। आप चाहें तो बादाम की कटिंग करके भी डाल सकते हैं, मैं पाउडर फॉर्म में डालती हूँ, चाहें तो कटिंग करके भी डाल सकते हैं बादाम को। ये हमारा बादाम इसके अंदर डल गया अच्छे से, और इसी में हम ये कोकोनट ग्रेट किया हुआ ये डाल देंगे। ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और थोड़ा सिक जाएगा इसके साथ ही। ये देखिए सब कुछ इसमें मिक्स हो गया। अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। ये देखिए सारी मेथी इसमें हमने डाल दी। ये जो इसमें घी लगा हुआ रह गया है वो हम इस तरह से करके निकाल लेंगे। इसमें सारा सारा घी और सारा सामान इसके अंदर है, सब कुछ इस कढ़ाई के अंदर है। ये देखिए मेथी अच्छी तरह से मिक्स हो गई इसमें। ये देखिए फ्रेंड सारा मिक्स हो गया है। ये थोड़ा छुआरे का पाउडर है। छुआरे जो हमारे होते हैं उनको और थोड़ी सी हवा लगा के उनके बीज निकाल के उसको भी मैंने मिक्सी में घुमा लिया है, और ये गैस को बंद करके और ये छुआरे का पाउडर इसमें मिक्स कर दिया। छुआरा भी सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। फ्रेंड एक बात और इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह आप पसंद करते हो आप लड्डू में डाल सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट गीला ना हो। किशमिश डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद, जब ये सारा मटेरियल ठंडा हो जाए तब हम किशमिश डालेंगे। गर्म में किशमिश डालेंगे किशमिश फूल जाएगी, और उसके बाद क्योंकि किशमिश गीली होती है तो हमारे लड्डू खराब हो जाते हैं। मावा कभी भी नहीं डालना चाहिए, बहुत लोग मावा डालते हैं लड्डू में। गोंद के साथ मावे का कोई भी मैच नहीं है। गोंद के साथ यदि हम मावा डालेंगे तो हमारा गोंद एकदम सोगी हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये वाले जो लड्डू है ये हमारे 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी खराब नहीं होंगे। यदि आपने मावा डाल दिया तो लड्डू बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, 15 से 20 दिन मुश्किल से चलते हैं वो। अब ये देखिए गैस बंद हो गया और सारा कुछ हमने इसमें सब कुछ मिक्स कर लिया। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और ये पिस्ता जो है ये
इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए पिस्ता चाहें तो हम और भी डाल सकते हैं, पिस्ता देखने में भी सुंदर लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये बिल्कुल हमारा सारा मिश्रण है वो ठंडा हो गया है। अब इसमें हम चीनी मिलाने वाले हैं। तो लड्डू में हमेशा बूरा चीनी मिलाई जाती है, बूरा खांड कह लो, देसी खांड कह लो। ये देखिए ये लगभग मेरे पास जो है बूरा खांड ये 1 किलो है, लेकिन 1 किलो इसमें नहीं मिलेगी, तो ये आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा आपको कितना मीठा चाहिए। तो जो चीनी है वो हर किसी की अपनी पसंद से डलती है, कोई बराबर की चीनी खाता है, कोई कम चीनी खाता है, कोई बिल्कुल कम चीनी खाता है। और जो लोग चीनी नहीं खा सकते, जिनको चीनी बिल्कुल पसंद नहीं है या चीनी डॉक्टर से मना है, वो इसमें स्टीविया यूज कर सकते हैं। तो स्टीविया शुगर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें चीनी मिला रही हूं, लगभग आधा किलो चीनी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको हम टेस्ट करके देख लेंगे, यदि हमें लगेगा कि चीनी बहुत है तो ठीक है, यदि हमें लगेगा कि चीनी और डालनी चाहिए तो हम और डाल लेंगे, और जरूरत के हिसाब से हम इसमें पिघला हुआ घी भी डाल देंगे लड्डू बनाने के लिए। और थोड़ा सा मैंने ये पिस्ता रखा है लड्डू बनाते टाइम गार्निश करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, लड्डू बनाने के लिए हम इस तरह से थोड़ा सा लेंगे हाथ में ऐसे, और इसको ये चीज जो है ऐसे दबाएंगे, ऐसे ऐसे लड्डू की जो शेप है वो बहुत ही अच्छी बनती है इस तरह से जो। और इस पर फिर हम ये थोड़ा सा पिस्ता डाल के और फिर से ऐसे कर देंगे, ऐसे ये हमारा पिस्ता अच्छी तरह से दिखे। ये देखिए ये पिस्ता दिखाई दे रहा है। ये आपको लगता है कि हमने पिस्ता भी लगाना है ऊपर, तो आप इस तरह से बना लीजिए, वरना रूटीन में आप नए भी इस तरह से पिस्ता लगाएंगे तब भी चलेगा। ये हम देखिए प्लेट में लगा रहे हैं, देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार हो गए हैं, देखने में सुंदर, खाने में बहुत हेल्दी, बहुत ज्यादा हेल्दी। सर्दी में हमें ये लड्डू जरूर खाने चाहिए। आप बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए सर्दी को। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम कुछ अलग सा करने जा रहे हैं। हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, चाहे वो लंच पर है चाहे डिनर पर। सर्दी का मौसम है ना, रंग बिरंगी सब्जियां बहुत आ रही है मार्केट में, तो आइए बनाते हैं रंग बिरंगी रोटी। तो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ ये रोटियां। आप देखना प्लेट में सिकी हुई रोटी अलग अलग कलर की कितनी सुंदर लगती है, और जब आप गेस्ट के आगे सर्व करोगे ना तो सब पूछेंगे वाह क्या गजब की टेस्टी रोटियां बनाई है। तो आप बहुत प्राउड से कह सकते हो कि आप 100 टाइप की चपाती बना सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ मिक्स कर किया और चपाती का डिफरेंट स्टाइल हो गया। तो जरूर से बोलिएगा कि आप 100 तरह की चपाती बना सकते हो। ये देखिए सबसे पहले मैंने बीटरूट का जूस निकाला है। बीटरूट को आप क्रश भी कर सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं, पेस्ट भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जूसर में जूस भी निकाला जा सकता है। तो ये बीटरूट वाला आटा हो जाएगा रेड कलर का। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़े से डाल देंगे हम वाइट तिल। इसके बाद एक ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर में आप पालक, बथुआ, मेथी किसी की भी रोटी बना सकते हैं। पालक को अच्छी तरह से मैंने बॉईल करके और मैश कर लिया। इसे आप स्मूथ पेस्ट में भी बना सकते हैं और थोड़ा सा क्रश भी कर सकते हैं। इसमें हमने खाली नमक डाला है। ये हम ग्रीन कलर का आटा लगा रहे हैं। ये देखिए पिंक कलर का आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक तरफ रख देते हैं ढककर। 1.5 टेबलस्पून हमने लिया गेहूं का आटा और बेसन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और आधा चम्मच हमने डाला इसमें हल्दी पाउडर। थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें अजवाइन, और इसे हम लगा लेंगे गुनगुने पानी के साथ। ये देखिए येलो आटा भी बिल्कुल तैयार है।
इसे भी हम एक तरफ रख देते हैं ढककर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 5 तरह के आटे बना के रख लिए हैं। बीटरूट आटा, पालक का, येलो आटा बेसन का और हल्दी का, प्लेन व्हीट फ्लोर और ये मिक्स वेजिटेबल आटा। तो 5 तरह के आटे हमने रख लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लग गया बाजरे का आटा। फ्रेंड्स ये है चावल का आटा, इसमें हमने नमक डाला। इसमें बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर हमें डालना है क्योंकि हम हाथ से नहीं कर सकेंगे इसको, एकदम उबलते हुए पानी में हम इसे मिक्स करेंगे। चावल के आटे को गूंदने के लिए एक अलग तरीका ही होता है ये, कि एकदम उबलते हुए पानी में इसे गूंदना होता है। अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको 10 मिनट के लिए रखना होता है। आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, फिर 10 मिनट के लिए तो जरूरी होता है। ये देखिए एकदम उबलते पानी में मैंने इसे मिक्स कर दिया। अब मैं इसे गीले कपड़े से ढक के रख दूंगी और बाकी की रोटी बनेगी ना उसके बाद इसे तैयार करूंगी। ये देखिए ये प्लेन रोटी बन के तैयार हो गई। ये देखिए बेसन वाली रोटी भी बन गई। बाजरे की जो रोटी होती है ना वो तवे पर नहीं सिकेगी, उसे तो हमें गैस पर ही सेकना होगा। पुराने जमाने में हमारी जो दादी नानी होती ना वो हाथ से बनाती थी बाजरे की रोटी, चकले का यूज नहीं होता था बिल्कुल भी। ये हमने लिया अपना चावल वाला आटा, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे घी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे पानी का छींटा इसमें और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल की रोटी के लिए हमने चकले को किया है थोड़ा ग्रीस और इस पर बहुत ही हल्के हाथ से हम बेलन से इसको रोटी को बेलेंगे। बेलन को भी हमने ग्रीस किया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, 7 रंग की रोटी और साथ ही टेस्ट है। इन 7 रोटी में कलर के साथ साथ टेस्ट भी अलग अलग है। तो आप जब इस बार कोई गेस्ट आएंगे ना तो ये रंग बिरंगी रोटी जरूर बनाइएगा। सुशीला किचन में ये एक अनूठी रेसिपी है। आप किसी को भी कह सकते हैं कि हम 100 टाइप्स की रोटी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। कुछ ना कुछ उसमें ऐड ही तो करना है, कलर ऐड करो, टेस्ट ऐड करो। इतनी तरह की सब्जियां आ गई है मार्केट में, किसी को भी मिक्स करो ना। कभी आप बनी हुई सब्जी को मिक्स कर सकते हो, वो भी बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होगा। डिफरेंट टाइप की सब्जियों के साथ डिफरेंट मेन्यू में जब आप अलग अलग कलर की चपाती सर्व करेंगे ना तो आपके गेस्ट के मुंह से वाह वाह तो निकलेगा ही। तो आप जरूर से ट्राई कीजिएगा ये अलग अलग तरह की चपाती। ये चपाती बना के आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। और फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार। सर्दियां शुरू हो गई है और अब मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू ये हर घर की पसंद हो गए हैं। ठीक है तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आज आपको गोंद के लड्डू बनाना बता रही हूँ और साथ ही मेथी के लड्डू बनाना बता रही हूँ। देखिए ये मैं आटा भून रही हूँ घी के अंदर, ये प्योर शुद्ध घी के अंदर मैं आटा भून रही हूँ। ये मेरे पास पाउडर्ड मेथी थी जिसको मैंने दूध में भिगोया, फुल क्रीम दूध में, और भिगोने के बाद इसको थोड़ा मिक्सी में पीस लिया सुबह हल्का। ये देखिए ये ऐसा पाउडर बन गया है।
ये मैंने सेक के रख लिए, मेथी घी में सेकी है। सबसे पहले मेथी को घी में सेका और जब ये हमारा आटा ऐसा गोल्डन ब्राउन हो गया, देखिए ये आटा गोल्डन ब्राउन हो गया है। गोल्डन ब्राउन होने पर मैं इसमें ये फूल मखाने हैं, ये मेरे कटे हुए बादाम है, ये गोंद है और ये कोकोनट पाउडर है। पाउडर नहीं है, ग्रेटेड कोकोनट है। ये गोला जो आता है मार्केट में, इसे ग्रेट किया हुआ है। और ये पिसा हुआ शुगर नहीं बोलेंगे इसे, बुरा चीनी बोलेंगे, ये बुरा चीनी है। तो ये बुरा चीनी इसमें यूज होगा। मैं अभी आपको इंग्रेडिएंट्स और कैसे तरीका है वो बता रही हूँ, लड्डू उसके बाद बनेंगे। इसमें आप जो चाहे सीड्स डाल सकते हैं, मगज के बीज डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं, सब कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। बट बस ये डो कैसे तैयार होगा बनाने का, लड्डू बनाने का, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये भुन गया है अच्छी तरह से। जब हम इसमें गोंद डालेंगे, ये देखिए, तो गोंद इस आटे के अंदर ऐसे फूल जाएगा। देखिए जरा एक बार, ये अच्छी तरह से फूल रहा है गोंद इसके अंदर। ये देखिए, ये गोंद पूरा फूल रहा है इसमें। ये देखिए, ये देखिए, ये अच्छी तरह से फूल रहा है गोंद। अब गोंद इसके अंदर ही भुनता हुआ चला जाएगा, अच्छे से गोंद भुन जाएगा। इसमें हमने थोड़े से मखाने डाल देने हैं। ये देखिए, ये मखाने इसमें डाल दिए। ये काफी क्वांटिटी में बन रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि अरे इतना बड़ा बन रहा है, ये एक्चुअल में सबके लिए लड्डू बन रहे हैं, तो क्वांटिटी में ज्यादा है, ठीक है। इसी में हम बादाम डाल देंगे, बादाम भी साथ ही रोस्ट हो जाएंगे। पिस्ता हम बाद में डालेंगे, जिससे पिस्ते का कलर नजर आता है। ये देखिए, ये इस तरह से। इसमें आप गोंद और भी डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ये देखिए, ये देखिए, ये एक तरह से गोंद का तैयार हो गया है। तो इसमें आप बुरा चीनी मिलाएंगे, साथ में ये ग्रेटेड कोकोनट मिला देंगे, ये वाला, ये ग्रेटेड कोकोनट मिला देंगे। ये गोंद के लड्डू बन जाएंगे। और जब हम इसमें ये भुनी हुई मेथी भी मिक्स कर देंगे, सिकी हुई मेथी भी मिक्स कर देंगे, तो ये मेथी के लड्डू तैयार हो जाएंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, सुशीला जोरा की किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम है, आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के लड्डू। देखिए, ये वाली तीन कटोरी से, ये वाली कटोरी है, ये तीन कटोरी से मैंने आटा लिया है, बादाम चॉप्ड, और ये बीज है खरबूजे के, पिस्ता गिरी, ये थोड़ा सा मावा है ग्रेट किया हुआ, इलायची पाउडर और स्पेशल चीज रोज पेटल्स। रोज पेटल्स आपके पास ड्राई हो तब भी चलेंगे, ये मैंने थोड़े से फ्रेश रोज पेटल्स लिए हैं। मेरे पास आज ड्राई नहीं थे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़े से मेरे पास ड्राई है और थोड़े से फ्रेश है। तो देखिए, कोई बात नहीं, फ्रेश भी डालते हैं। और ये कोकोनट ग्रेटेड, ये बुरा चीनी है जो कि हम सारी तैयारी के बाद लास्ट में यूज करेंगे मीठे के लिए, ठीक है। तो हम आटे को सेकना शुरू करते हैं लड्डू के लिए। ये घी के अंदर, ये पूरी तरह से घी है और घी में हम ये आटे को सेकेंगे। देखिए, थोड़ा सा खुले घी में सेकते हैं क्योंकि लड्डू बनने हैं, तो आटा हम थोड़े खुले घी में सेकेंगे। तो जब आटा पूरी तरह से सेक जाएगा, तब हम फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये देखिए, आटा सेकना शुरू किया है। मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है घी कम है, मैं थोड़ा घी और डालूंगी इसमें। घी डाल दिया इसमें, और ये देखो, इतने घी में हमें आटा सेकना है। अब आप देख लीजिए किस तरह से घी रहेगा आटे में। ये देखिए, इस तरह से आटा हमारा सेकना शुरू हो जाएगा। हाँ, देखिए, ये इस तरह से आटा हमारा लगभग आधा सेक गया है। ये जब हमारा पूरी तरह से गोल्डन हो जाएगा आटा, तब मैं इसमें सारी नट्स वगैरह सब डालूंगी। फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाह रही हूँ, हम इसमें चाहे तो सूजी भी डाल सकते हैं आटे के साथ। हम 1/4 इसमें सूजी डाल सकते हैं, तो सूजी का टेस्ट भी अच्छा लगता है। लेकिन मैंने इसमें अभी सूजी नहीं डाली है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए आटा कितना शुरू हो गया है। ये देखो,
जब आटा हमारा एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको बाकी की तैयारी करेंगे। इसमें हम चाहे तो थोड़े मखाने भी डाल सकते हैं, जैसे जिसको मखाने बहुत ज्यादा पसंद हो वो मखाने भी डाल सकता है। अभी मैंने इसमें मखाने नहीं डाले हैं। ये देखिए आटा हमारा सिक गया है कढ़ाई के अंदर। अब इसमें मैं बादाम डालूंगी, बादाम भी थोड़े अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, और अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। ये मैंने इसमें मगज डाल दिए खरबूजे के बीज। अब इसके अंदर मैं ये मावा डालूंगी, जो मावा भी थोड़ा सा साथ सिक जाएगा। ये देखिए ये अच्छी तरह से मावा, ग्रेवी मावा सिक जाएगा अच्छी तरह से। ये देखिए ये इसमें अच्छी तरह से सिक रहा है। कोकोनट भी डाल दिया मैंने इसमें। देखिए सब चीज इसमें साथ साथ, आटे के साथ साथ सारी चीज भूनती जा रही है। अब मैं इसमें ये रोज पेटल्स डालूंगी, ये भी इसमें साथ साथ तैयार। यदि हमारे पास बिल्कुल सूखे रोज पेटल्स हो तो वो हम ठंडे होने के बाद भी डाल सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पास ताजा रोज पेटल्स है इसलिए मैंने आटे में डाले हैं, जिससे इनका पानी पूरी तरह से खत्म हो जाए। आटे के लड्डू में पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ये मेरे रोज पेटल्स पूरी तरह से इसमें सिक रहे हैं, पानी खत्म हो जाएगा इनका, आटे के अंदर पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब ये हमारा अच्छे से आटा सिक जाएगा, ये देखिए सब कुछ एकदम रेडी है। ये देखिए अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ इतना सिकने के बाद। ये देखिए अभी ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें चीनी मिक्स करूंगी। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये सारा मटेरियल मैंने इसमें परात में निकाल लिया है। अब इसमें मैं ये पिस्ता डाल रही हूँ और इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और इसको इसमें मैं ठंडा होने देती हूँ। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा जब मैं इसमें चीनी मिक्स करूंगी। ये देखिए ये परात में डाला है तभी ठंडा हो रहा है, कढ़ाई में नहीं ठंडा होना था। अब इसमें मैंने ये बूरा चीनी मिक्स किया है, तो बूरा चीनी जितना हमें चीनी मीठा चाहिए उस हिसाब से हम बूरा चीनी मिलाएंगे। देखिए ये चीनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है, हमारा जो लड्डू का मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखिए और इसमें जो गुलाब की खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है। अब मैं इसके लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये देखिए लड्डू आप जिस मर्जी शेप के बना सकते हो, जिस मर्जी आकार के बना सकते हो। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे भी बना सकते हो, बड़े भी बना सकते हो। ये देखिए ये हमारे लड्डू बन गए हैं। बहुत ही अच्छे टेस्ट के ये बने हैं, बहुत ही अच्छे टेस्ट के बने हैं। मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनको देख के मन कर रहा है थोड़ा सा टेस्ट तो कर ही लिया जाए। बहुत अच्छे बने हैं, जरूर बनाइए। फ्रेंड्स ये हमारे सर्दी स्पेशल आटे के लड्डू बिल्कुल तैयार है। ठीक है, जिन जिन घरों में बच्चे गोंद नहीं खाते, मेथी नहीं खाते, तो ये आटे के लड्डू सदाबहार लड्डू है। खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं सुशीलास किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग आज च्यवनप्राश बनाने जा रहे हैं। वैसे तो इतना ज़्यादा मौसम नहीं है च्यवनप्राश का, पर ये महामारी फैली हुई है इसलिए इसमें च्यवनप्राश जरूरी है, और मार्केट का च्यवनप्राश मेरे घर में नहीं पसंद करते। तो आइए हम बनाते हैं। उसमें जो हमें सामान चाहिए वो मैं आपको फटाफट बताती हूँ। ज़्यादा सोचने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि इतना सारा सामान। ये जो सामान है, ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये हमारे आंवले में खुशबू पैदा करेगी, उसमें अपना एसेंस इनका जाएगा आंवलों का। आंवलों के अंदर जब इनका सारा सत घुल जाएगा तब उसमें एक पावर आएगी जो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाएगी। तो ये जड़ी बूटियाँ इसलिए ज़रूरी है, इसके साथ हमें कोई मशक्कत नहीं करनी, बस हमें आंवलों को उबालते टाइम इन जड़ी बूटियों के साथ उबालना है। तो जो मैं बता रही हूँ ये देखिए, बिद्रिकन, सफ़ेद चंदन, वसाका, अकरकरा, चतावरी, ब्राह्मी, विल्व,
छोटी हरण, कमल केसर, जट्टा मानसी, गोखरू, कचूर, लौंग, काकर सिंगी, दशमूल, पुनर्वा, अश्वगंधा, गिलोय, सौंठ और मुलेठी। ये इतनी सी चीज़ें हैं जो हमें इस उबालने के टाइम में डालनी है। इनमें ये जो है हमारा, इस गोखरू को हमें कपड़े में डालना पड़ेगा क्योंकि चुभता है, हाथों में चुभ जाता है, इसमें कांटे हैं, तो इसलिए हमें कपड़े में बांधना जरूरी है। बाकी सब चीज़ें जो है वो हम पानी में ऐसे कैसे डाल देते हैं। इनमें जो चीज़ आपको लगे कि मिट्टी है, धोना जरूरी है, तो हम धो के आंवलों को उबाल लेंगे इनके साथ। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा पानी गर्म हो रहा है, सारी जड़ी बूटियाँ मैंने धो ली हैं। ये सफ़ेद, ये चंदन पाउडर और ये सब धोने की जरूरत नहीं थी, ये सारे मैं इसमें डाल रही हूँ देखिए, और किसी में मैं आंवले डाल दूंगी। ये जितने भी जड़ी बूटियां मैंने अभी आपको बताई है, ये 10 ग्राम पर किलो आंवले के पीछे है। मैं अभी 3 किलो आंवले का च्यवनप्राश बना रही हूँ, इसलिए मैंने सारी जड़ी बूटियां 30-30 ग्राम लिए हैं। चंदन सारी जड़ी बूटियां मैंने डाल दी है। लौंग जो है वो मैं आधा रख लूंगी, बाद में पीस के च्यवनप्राश में डालूंगी, आधा लौंग मैं इसमें डाल दूंगी। कुछ सामान हम बाद में मिक्स करेंगे और ये आंवले इसमें, हमारे आंवले जब इसमें अच्छे से उबल जाएंगे तब हम इसको पूरी रात आंवलों के अंदर ही छोड़ देंगे। एक बात जो खास है वो ये है कि जो बर्तन है हमारा आंवले उबालने के लिए, वो सिर्फ स्टील का होना चाहिए, आप अल्मीनियम का, पीतल का ये बर्तन नहीं ले सकते। और जब च्यवनप्राश बनेगा तो लोहे की कढ़ाई में ही बनेगा। ये देखिए, सारी जड़ी बूटियों में आंवले हमने अच्छे से मिक्स कर दिए। अब बारी आती है गोखरू की। गोखरू में कांटे बहुत होते हैं, ये देखिए कांटे अभी भी निकल रहे हैं। ये हमने रुमाल में बांध दिया और इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे इसके अंदर रुमाल को ही, ये देखिए। और जब ये अच्छे से उबल जाएंगे हमारे आंवले, तब हम इसको पूरी रात के लिए ढक के रख देंगे। हमारे ये आंवले पूरी रात रखे हुए रहे हैं जड़ी बूटियों में उबले हुए, अब हम ये इसे निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आंवलों का कलर एकदम से चेंज हो गया है, ये देखिए। और हमारे आंवले ये देखिए, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनमें। ये इस तरह से हमारे आंवले तैयार है, देखिए। आंवले हम एक एक करके बाहर निकाल लेंगे, इनके बीज इस तरह से अलग कर देंगे ये, और आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में घुमा लीजिए, चाहें तो वैसे ही छान लीजिए क्योंकि सॉफ्ट है बिल्कुल, चलनी से छान के और पल्प निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने आंवला इसमें से पतीले में से लिया, ये कोई भी पत्ता इस पे लगा हुआ ना रहे तो साफ पानी नहीं लेंगे, इसी का पानी छान के लिया मैंने इसमें डोंगे में, और इस डोंगे में से इस तरह से इसको हिला लिया, पत्ते सारे इसमें निकल गए और ये पतीले में इस तरह से मैंने इकट्ठे कर लिए। फ्रेंड्स देखिए, एक आंवले का पेस्ट बिल्कुल तैयार है छन के, और अब इसमें हमने जो और सामान डालना है वो लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ। पीपली 60 ग्राम, बंस लोचन 75 ग्राम, दालचीनी पाउडर 30 ग्राम, तेज पत्ता ये 12 ग्राम, नाग केसर 12 ग्राम, छोटी इलायची 4 ग्राम, केसर ये 1 ग्राम केसर बहुत है, आप 2 ग्राम भी यूज कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। केसर को आप 1 ग्राम या 2 ग्राम ये रख सकते हो। ये 6 पीस अंजीर है और लगभग 25 पीस मुनक्का के हैं, जो मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिए हैं। अभी मैं इनके मुनक्का के बीज निकालूंगी और अंजीर और मुनक्का दोनों का पेस्ट बना लूंगी। ये लौंग हमने, जो कल आधे लौंग हमने बॉईल करने में आंवले में डाल दिया था, आधे लौंग हमने रख लिए थे। अब फ्रेंड्स मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो हमारे पास जो ये सामान साबुत है, इसको हमने पाउडर फॉर्म में बना लेना है क्योंकि ये सारा का सारा आंवले के च्यवनप्राश में जाएगा, ठीक है। और केसर को भी मैं भिगो के और पीस लूंगी। हाँ फ्रेंड्स देखिए, अब हम च्यवनप्राश बनाना शुरू कर रहे हैं। ये 300 ग्राम तिल का तेल और 300 ग्राम ही घी, दोनों हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। 100 ग्राम पर केजी के हिसाब से हमें डालना है, अब इसमें हम
आंवला ये पेस्ट डालेंगे भुनने के हिसाब से, देखिए। और बर्तन ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ लोहे का होना चाहिए चौलबुरास बनाने के टाइम में। फ्रेंड्स ये देखिए हम इसमें भून रहे हैं अच्छी तरह से। और एक बात वो मुझे आपको बतानी थी कि इसमें आप घी और तेल 50 ग्राम पर केजी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। जो लोग घी तेल बहुत यूज करते हैं वो 100 ग्राम के हिसाब से डालें, जो कम खाते हैं वो 50 ग्राम पर केजी के हिसाब से घी और तेल डाल लें। बस इसको फिर हम सेकते रहेंगे इस तरह से। ये पेस्ट हमारा गाढ़ा हो गया है, अब इसमें हम ये शक्कर डाल देंगे, 700 ग्राम शक्कर है, और जो हमने मुनक्का और अंजीर पीस रखी थी वो भी हम साथ ही डाल देंगे, जिससे साथ ही भून जाएंगे। ये हमारा च्यवनप्राश पक रहा है, क्योंकि हमने केसर को पानी में भिगो रखा है इसलिए हम केसर भी साथ डाल देंगे, जिससे इसका पानी इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। और देखिए हमारे च्यवनप्राश का कलर कितना सुंदर हो गया है, बहुत अच्छा कलर आ जाएगा केसर का, खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये च्यवनप्राश अच्छे से पक गया है, ये उछलना काफी कम हो गया है, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स बंस लोचन और शहद को छोड़कर बाकी सारा सामान जो हमारा पिसा हुआ पाउडर है वो हम इस शहद में मिला, इसमें च्यवनप्राश में मिला देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और छोड़ देंगे। और जब ठंडा हो जाएगा जब हम इसमें शहद डालेंगे और बंस लोचन डालेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा च्यवनप्राश बिल्कुल तैयार है, ठंडा हो गया है, इसमें हम ये बंस लोचन मिला देंगे और शहद डाल देंगे और हमारा च्यवनप्राश खाने के लिए बिल्कुल रेडी। हमारा च्यवनप्राश बिल्कुल तैयार हो गया है और इसका कल और परसों में कलर और भी ज्यादा ब्लैक हो जाएगा। ये एकदम प्योर बना है, बहुत हेल्दी है खाने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। खाइए, खिलाइए, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। आप जरूर ट्राई कीजिए, इतना कोई मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत अच्छा बनने वाला है, घर में जरूर बनाइए। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, सुशीलाज किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के लड्डू मखाने के साथ। तो हम जो लड्डू बनाएंगे ना वो टेस्ट में तो बढ़िया होंगे ही होंगे, देखने में भी बहुत सुंदर बनेंगे। आइए बनाते हैं आटे के लड्डू। आप सोच रहे होंगे इतनी गर्मी और लड्डू, तो ऐसा कहना चाहूँगी मैं अपने व्यूवर्स को कि जो आटे के लड्डू हम बना रहे हैं ना इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डलने वाला जो हमें गर्मी में ख़राब करे। तो हम मार्केट की मिठाई लाके भी खाते हैं ना, तो मार्केट की मिठाई की बजाय यदि हम घर में बने हुए ये लड्डू खाएंगे ना तो हमें और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे, हेल्थी तो है ही है। आटे के लड्डू बनाने के लिए हम घी में डाल देंगे 2 कप आटा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा घी और, क्योंकि हमने मखाने डालने हैं ना तो ये जो मखाने होंगे वो पूरा का पूरा घी को सोख लेंगे। आटे को ना हम थोड़े ही से ज़्यादा घी में सेकेंगे, ये देखिए एक तो सेकने में भी इजी रहेगा और ऊपर से हम मखाना डालने वाले ही हैं इसमें। आटा हमारा बहुत सुंदर सिक गया है, ये देखिए कलर भी बहुत प्यारा आ गया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, साबुत काली मिर्च हम डालेंगे, काली मिर्च अच्छी तरह से सिक जाएगी इसमें और इसका तीखापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब आप लड्डू खाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अब हम डाल रहे हैं इसमें आटे में बादाम, बादाम है ना ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पाउडर नहीं है बादाम का, बहुत ही प्यारी सी कटिंग की हुई है इसकी। जब हम ग्राइंड करते हैं ना जार में या चॉपर में उसके बाद इसको छान लो तो अच्छी अच्छी गिरी रह जाएगी ऊपर और पाउडर नीचे चला जाएगा, उस पाउडर को आप किसी और चीज़ में यूज़ कर लो। अब हम इस आटे में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ये मखाने का पाउडर,
मखाने का पाउडर भी बहुत ही अच्छी तरह से इसमें फूल जाएगा। थोड़ा करके ना ये सारा पाउडर हम इसमें डाल देंगे मखाने का। एक कप लिया है हमने मखाने का पाउडर, दो कप था हमारा आटा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नारियल का पाउडर, बुरादा है नारियल का अच्छी तरह से, ये हमने आधा कप के लगभग डाला है। डालेंगे इसमें पिस्ता, ये देखिए। जब हम इसमें चीनी मिलाएंगे ना तो हमें ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा घी और डाल लेंगे। लड्डू को जब बनाएंगे ना तो यदि सूखा रहेगा तो लड्डू बनेगा नहीं। और ये रोज़ पेटल्स है, इनको इस तरह से क्रश करके डाल देंगे इसमें, बहुत ही सुंदर भी लगेंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। का कलर, बादाम का कलर, आटे का कलर, सब कलर मिक्स हो गए हैं इसमें। और आप चाहें ना तो इसमें जो मेलन सीड्स आते हैं ना खरबूजे के बीज, वो भी डाल सकते हैं। कुल थोड़े से मेलन सीड्स हैं मैं डाल रही हूँ, और मैं डाल रही हूँ इसमें तिल। तिल भी इस आटे के साथ अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। ये गैस को हमने बंद कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा इलायची पाउडर और इसको बड़े बर्तन में किसी में निकाल लेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया, अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा इलायची का पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और ये सारा जो मिक्सचर है ना, इसको हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और थोड़ा सा जब हल्का ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसमें मिलाएंगे। देखिए हमने इसको इस तरह से फैला दिया है। और ये है देसी खांड, ये देसी खांड मैं इसमें मिक्स करूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लोग यदि खांड नहीं पसंद करते हैं तो गुड़ वाली शक्कर डाल लीजिए, ब्राउन शुगर डाल लीजिए या स्टीविया डाल लीजिए। जो लोग चीनी बिल्कुल नहीं खाते वो स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह से बेसन के लड्डू, ग्लूटेन फ्री लड्डू ख़राब नहीं होते ना, ये भी नहीं ख़राब होंगे। आप एक बार लड्डू बना लोगे ना तो पूरी गर्मी, पूरी सर्दी जब भी आप खाना चाहें खा सकते हैं, ये लड्डू ख़राब होते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इन्जॉय ज़रूर करेंगे इन लड्डू। सुबह की चाय हो चाहे शाम की चाय हो, चाय के साथ ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए इस तरह से हम ना ये लड्डू बना बना के इसमें रख लेंगे प्लेट में, और थोड़ी देर में हो जाएंगे ठंडे, फिर हम किसी बॉक्स में डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हाँ जी फ्रेंड्स, बन गए ना शानदार लड्डू। आप भी ज़रूर से बनाइएगा, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं वेट करूंगी आपके फीडबैक की। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, सुशीला किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के मनपसंद बेसन के लड्डू। ये जो बेसन के लड्डू है ना, इनको किसी भी मौसम की कोई जरूरत नहीं होती, सर्दी गर्मी सब में चलते हैं। तो आइए हम बनाते हैं बहुत ही हेल्दी बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है एक कप बेसन। इस बेसन को हमने अच्छे से छान लिया और अंदाजे से थोड़ा सा घी ले लिया हमने, लगभग दो टेबल स्पून। और इसमें हम ये बेसन डालेंगे और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर उसको बेसन को अच्छे से सिकने देंगे। अब मुझे इसमें घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा घी इसमें और डाल दूंगी। आपको बता देती हूँ कि किस तरह का पेस्ट रहना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता रही हूँ, जब हम बेसन के लड्डू बनाते हैं ना तो बेसन होता है मोटा, उसी की बर्फी बनती है, उसी के लड्डू बनते हैं।
अभी मैं एकदम से बना रही हूँ, घर में जो हमारे पास बेसन होता है ना महीन, उससे बना रही हूँ। तो इस महीन बेसन से हम लड्डू कैसे बनाएंगे, ये भी एक ट्रिक है। जो बेसन का पेस्ट है ना, ये ऐसा रहेगा। आपको लगेगा कि घी बहुत ज्यादा है, लड्डू में इतना घी कैसे हो सकता है, तो क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसा डालेंगे जिससे जो घी दिख रहा है, जो पतला पतला बेसन दिख रहा है ना, ये दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा और ये जो बेसन का पेस्ट है ना, ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। बेसन है ना, ये देखो फूलना शुरू हो गया, इसका मतलब ये हल्का हल्का सिकना शुरू हो गया है। इसको हम गोल्डन होने तक भूनने देंगे इसी तरह से, और बराबर हिलाते रहना है वरना हमारा जो बेसन है ना वो चिपक जाएगा। ये देखिए बेसन का कलर है ना बहुत ही प्यारा सा हो गया, ये देखिए जरा। और अब देखिए ये पतला है ना एकदम। अब हम डालेंगे इसमें मखाने का पाउडर, ये देखिए मखाने का पाउडर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहेंगे, ये देखिए। और ये सारा मखाना है ना, ये इसको घी को सोख लेगा अच्छी तरह से, ये देखिए। जो लड्डू है ना, इसमें इनका मखाने का ना एक बहुत ही अलग सा क्रिस्प आ जाएगा, एकदम बहुत ही करारे करारे लड्डू बनेंगे ये। इसी में डाल देंगे हम थोड़ा सा ये बादाम का पाउडर, बादाम भी साथ के साथ ही सिक जाएंगे अच्छी तरह से। लगभग आधा कप हमने ना मखाने का पाउडर इसमें डाल दिया है, एक कप बेसन और आधा कप मखाने का पाउडर, और 1/4 कप से भी थोड़े कम ही है बादाम का चूरा। बादाम का चूरा आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गैस को कर देंगे हम बंद और इसको अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गरम गरम जो कढ़ाई होती है ना उसमें भी बेसन चिपक जाता है, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे हिला लेंगे ना तो सही रहेगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी डाल देंगे इलायची पाउडर, और थोड़ा सा डाल देंगे हम पिस्ता, बिल्कुल थोड़ा सा। कहीं कहीं जब पिस्ते का कलर दिखाई देगा ना लड्डू में, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा, सुंदर लगता है पिस्ता। ये देखिए हमने कढ़ाई का पूरा मटेरियल इस बॉल में निकाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे देसी खांड, बूरा चीनी। आज आपको जैसा टेस्ट अच्छा लगता है ना, आप टेस्ट करके देख लीजिए। थोड़ी सी ये बूरा खांड मिलाई और इसको टेस्ट करके देख लो, जैसा मीठा आपको पसंद है ना लड्डू में, वैसा मीठा आप इसमें मिक्स कर लीजिए। लगभग 3/4 कप हमने इसमें बूरा खांड डाल दी है, और आपको कम या ज्यादा लगे आप बिल्कुल टेस्ट करके देखिएगा। मैंने जो डाली है मैंने आपको बता दिया, और इसके इस तरह से लेके हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 कप बेसन से हमने 8-9 लड्डू बना लिए। आपको ज़्यादा चाहिए आप बिल्कुल ज़्यादा बना लीजिए। मैंने आपको रेसिपी बता दी है कि लड्डू कैसे बनेंगे बेसन के, आप कम या ज़्यादा जितना चाहे बनाइए, ज़रूर से बनाइएगा। ये जो बेसन के लड्डू है ना, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सर्दी में तो हम गोंद, मेथी ये सब लड्डू बनाते हैं, लेकिन जो ये रेनी सीजन है ना, इसमें तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। बेसन वैसे भी खाना चाहिए, और इसमें तो हमने बादाम भी डाला है, मखाना भी डाला है, तो हेल्दी तो ये है ही है। तो आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, चाहे चाय का टाइम हो और चाहे आप स्वीट डिश की तरह से भी आप इसे बहुत इंजॉय करें। आप ये रेसिपी बना के, यानी कि ये लड्डू बना के अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम आने वाला है और हम बनाने जा रहे हैं आज गोंद के लड्डू। गोंद जो है वो सर्दी में हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
हर एज के लिए, बुजुर्गों के लिए भी हम गोंद के लड्डू बनाते हैं, बच्चों के लिए भी बनाते हैं। उसमें हम गोंद थोड़ा सा कम ज्यादा ऐसे कर लेते हैं। मदर्स होती हैं जो बच्चों को फीड करवाती है, उनके लिए गोंद के लड्डू जरूर बनते हैं। हमारे शरीर के अंदर गर्मी बनी हुई रहती है, सर्दी में इम्यून सिस्टम बनता है हमारा। ये लड्डू जब खाते हैं, घी की ताकत शरीर में जाती है, तो हमारा शरीर हर तरह की बाहरी छोटी मोटी सर्दी की बीमारियां होती हैं, उससे हमारा शरीर बचा हुआ रहता है। आइए मैं बताती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम आज यूज करने वाले हैं। हमने लिया है 2 कप आटा, 1 कप फूल मखाना को हमने दरदरा कर लिया। ये देखिए जो फूल मखाना होता है, मिक्सी में ग्राइंड करके दरदरा कर लिया। 1/4 कप हमने लिया है कोकोनट ग्रेट किया हुआ, 1/2 कप बादाम, 1/2 कप काजू, 1/2 कप रोज पेटल्स और 1/2 कप गोंद। ये हम गोंद जो है, बहुत से लोग क्या करते हैं, गोंद को पहले से घी में फ्राई करते हैं और उसके बाद आटा सेकते हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं जो है, मैं हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ, बिल्कुल हल्का सा हमने इसको ग्राइंड किया है और ये निकाल लेते हैं। हमें पहले से फ्राई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लेंगे सबसे पहले आटा और घी। आटे के लिए हमने 1 कप घी लिया है, जरूरत होगी हम घी और डालेंगे। और कढ़ाई हमने काफी बड़ी ली है और हैवी भी ली है, इससे हमारे लिए लड्डू बनाना बहुत ही इजी रहेगा। घी में हमने डाल दिया आटा और इसे अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए लगभग ये ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि हम इसमें मखाना डालेंगे, गोंद डालेंगे, तो वो इसमें फूल जाएगा और घी कम हो जाएगा। ये जो हमारा आटा जब अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा, जब हम इसमें ये काली मिर्ची भी डालेंगे, काली मिर्ची का जो टेस्ट है ना, वो लड्डू में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ी थोड़ी चीजें हम और भी ऐड करेंगे, अभी तो मैंने आपको मेन चीज बताई है जो हमने यूज करनी है। देखिए आटे में खुशबू आनी शुरू हो गई और थोड़ा घी भी अलग होने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये काली मिर्ची। काली मिर्ची थोड़ी सी कम ज्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन डालिएगा जरूर, हेल्थ के लिए तो अच्छी है ही है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारी कमर दर्द में भी काली मिर्च बहुत अच्छी रहती है। देखिए इसमें काली मिर्ची अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें डालेंगे बादाम। तो ये जो बादाम है, ये हमने क्रश कर रखे हैं, बादाम भी साथ ही भुन जाएंगे। गोंद थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, गोंद इसमें फूलता रहेगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे। ये देखिए अलग से फुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी और इस आटे के अंदर ही है ना, गोंद अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए देखिए डालनी चाहिए 1 टेबलस्पून खसखस। खसखस आज मेरे पास नहीं है इसलिए मैं खसखस नहीं डाल रही, लेकिन खसखस जरूर डालनी चाहिए, हमारी कमर दर्द के लिए, सर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सर्दी में वैसे भी खसखस जरूर खानी चाहिए और लड्डू में खसखस डली हुई टेस्टी भी बहुत लगती है। ये गोंद अच्छी तरह से भुन गया, अब हम इसमें डाल देंगे ये फूल मखाना। जो हमने 2 कप आटा डाला है, आप चाहे तो आटे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये जो फूल मखाना है हमने दरदरा किया है, इसे भी आप पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, तब भी ये उतना ही क्रिस्पी लगेगा जितना कि अब लग रहा है। फूल मखाने का जो टेस्ट है वो भी लड्डू में बहुत ही अच्छा आता है। गैस को हम कर देते हैं थोड़ा धीमा और इसको धीमी आंच पर ही थोड़ा सिकने देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें ये नारियल का पाउडर। ये सारे मिक्स सीड्स हैं।
मिक्स सीड जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून डाले हैं। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारा कुछ अच्छे से रसे सीख गया, अब हम इसको गैस को कर देंगे बंद और काजू डाल देंगे। गरम गरम मिक्सचर में मैंने जब काजू डाले हैं तो ये हल्के सिक भी जाएंगे और टेस्ट में भी अच्छे रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता, और 1/4 जो कप है वो डालेंगे हम छुआरा, छुआरे का भी पाउडर है, रोज पेटल्स, रोज पेटल्स को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। गरम गरम आटे में ही रोज पेटल्स को डाल देंगे। रोज पेटल्स जो है वो भी मैंने घर पर तैयार करी है, जो रोज के फ्लावर्स है उनको धोके और बिल्कुल छांव में सुखाया है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि रोज पेटल्स को हम घर पर कैसे तैयार करें। टेस्ट है ना, वो इन लड्डुओं में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, कलर भी अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। गुलाब की पंखुड़ियों का अपना एक अलग ही टेस्ट आएगा और आपके जो लड्डू है ना वो बहुत ही डिफरेंट लगेंगे। लास्ट में मैं डाल रही हूँ ये 5-6 इलायची का पाउडर है, ये इसमें ऐसे डाल दिया। और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसमें हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ा चीनी मिलाएंगे। आप चाहें तो मिश्री भी मिला सकते हैं। बहुत से लोग जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो कहते हैं हम मीठा नहीं खा सकते, तो आप स्टीविया डाल लीजिए। तो स्टीविया डालोगे तो शुगर पेशेंट भी इन लड्डुओं को खा सकते हैं। अब स्टीविया पाउडर यूज कर लीजिए। ये लगभग रूम टेम्परेचर पर थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे, बहुत ठंडा नहीं हुआ। घी को हम गर्म करके भी डाल सकते हैं, बट ये बहुत ठंडा नहीं हुआ तो घी इसके अंदर ही मेल्ट हो जाएगा। देखिए इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप ये बूरा चीनी, 1/2 कप चीनी मैं इसमें और डाली हूँ। ये बूरा चीनी यानी कि 1 कप और 1/2 कप, 1.5 कप बूरा चीनी हम इसमें डाल रहे हैं और ये एकदम परफेक्ट मीठा हो जाएगा। हमें और चीनी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी और कम भी नहीं रहेगा। इस तरह से ये मिक्सचर लेके और आप लड्डू बना लीजिए। मैं दोबारा से फिर कह रही हूँ कि यदि आपको लगता है कि हमें आटा ज़्यादा मिक्स करना है तो आप इसमें आटा ज़्यादा भी मिक्स कर सकते हैं। तो ज़्यादा आटे के आप लड्डू बनाएंगे ना तब भी तरीका सेम ही रहेगा, तरीका नहीं चेंज होएगा। उससे क्या होगा, आटा थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो आपके लड्डू थोड़े से और ईजी बन जाएंगे। इसमें क्योंकि सारा का सारा ड्राई फ्रूट ही ज़्यादा है और पूरी तरह से सूखा है, क्रिस्पी है, तो शायद आपको थोड़ा सा लड्डू बनाने में मेहनत करनी पड़े। इस तरह से आप लड्डू बना के ऊपर थोड़ा सा ये पिस्ता लगाएंगे तो लड्डू देखने में भी बहुत सुंदर बनेगा। ये देखिए देखिए, जब हम इस लड्डू को इस तरह से बना रहे हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, और ये यदि आटा ज़्यादा होगा तो प्रेशर इतना नहीं लगाना पड़ेगा। आप 2 कप आटे की जगह 3 कप आटा ले लीजिए तो आपके जो लड्डू है ना वो बहुत ही इजी बन जाएंगे। आप ये लड्डू बनाइएगा जरूर और बना के अपना फीडबैक मुझे जरूर भेजिएगा। आपने लड्डू बनाए कैसे लगे जरूर से बताइएगा। ये लड्डू हमने बना लिए। ये जो लड्डू बने हैं ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सर्दी बिल्कुल पास भी नहीं आएगी। ये 1 लड्डू रोज खा लोगे ना तो हमारी हड्डियाँ भी मजबूत रहेगी और जो मदर्स बच्चों को फीड करवाती है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। नमस्कार फ्रेंड्स, सुशीलाज किचन में एक बार फिर से मैं आमले का च्यवनप्राश बना रही हूँ। च्यवनप्राश की रेसिपी मैंने पहले अपने चैनल पर डाली है, तो आज मैं आप सबके साथ बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो आंवला लिया है। आप 1 किलो का बनाइए, आप 1/2 किलो का बनाइए, लेकिन आप बनाइएगा जरूर। और ये मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ
कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप एक बार बनाओगे अपने हाथ से च्यवनप्राश, आप मार्केट का कभी नहीं लेके आओगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी च्यवनप्राश घर में हम बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। दो तरह का सामान है हमारे पास, एक पहले बॉईल करते टाइम साथ डालने का, एक बाद में बनाने के बाद मिक्स करने का। आइए बनाते हैं होममेड च्यवनप्राश सुशीलास किचन में। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जड़ी बूटियों के नाम दिए हैं। मुझे भी अभी तक याद नहीं हुए हैं ये सारे नाम कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ये जो आंवले उबालते टाइम जो जड़ी बूटियाँ डालनी है वो मैंने एक तरफ की है, और जो बाद में डालनी है वो एक तरफ है। और इनको क्या करेंगे, काट काट के पाउच को, और हम इस पानी के अंदर डालते रहेंगे जिसमें हमने आंवले डाले हैं। ये देखिए, सारी जड़ी बूटियां हमने आमलों के साथ डाल दी है पानी में, और अब हम इसको बॉईल करेंगे। ये देखिए, सारी जड़ी बूटियों के साथ हमने आमले उबलने रख दिए हैं। जब आमले एकदम सॉफ्ट हो जाएगा तब हम गैस को बंद करेंगे। ये पतीला छोटा था, मैंने थोड़े बड़े पतीले में खुले ढंग से उबलना चढ़ाया है। एक बात ध्यान देने वाली है, आमलों को कभी भी एल्यूमिनियम पीतल के बर्तन में नहीं रखना, हमेशा स्टील का बर्तन या लोहे का बर्तन, दो ही बर्तन होने चाहिए आंवले के लिए, उबालने के लिए, पकाने के लिए, जो भी करना हो हमेशा स्टील का बर्तन हो या लोहे का बर्तन हो। ये देखिए, ये हमारे आंवले अच्छे से उबल गए हैं। गैस को कर देंगे बंद और इसको ऐसे ही पूरी रात रखेंगे। कल फिर हम इसका च्यवनप्राश बनाएंगे। ओवरनाइट आमले रखने के बाद अब हम देखते हैं, देखिए आमलों का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। एक पतीले में पानी को बॉईल करके और उसे थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे, और एक एक आमले को निकाल के इस पानी में से डाल के निकाल लेंगे, जिससे जो साथ में कोई पत्ती कोई भी तरह का जड़ी बूटी लगी हुई नहीं रहे, आंवले हमारे बिल्कुल साफ हो जाए। इस तरह से इनको क्लीन करके निकाल लेंगे, और निकालने के बाद देखिए इनका बीज ऐसे अलग कर देंगे। सारे आंवले हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, सारे आंवले हमने बीज अलग कर दिया। अब हम इनको मिक्सर में बारीक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आंवले का पेस्ट हमने बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लिया। लोहे की कढ़ाई हमने गैस पर रखी। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि आंवले का कुछ भी बनाओ हम लोहे के बर्तन में ही बनाएंगे। स्टील का बर्तन और लोहे का बर्तन, दो ही बर्तन यूज होते हैं। आमले का जो च्यवनप्राश बनता है वो, क्योंकि हमें कलर भी ब्लैक ही चाहिए, तो लोहे की कढ़ाई में हम बनाएंगे तो उसका कलर एकदम ब्लैक हो जाएगा। इसमें हमने 70 ग्राम तिल का तेल डाला है, और 70 ग्राम ही हम घी डालेंगे। ये घी और तेल का जो मिश्रण है, इसमें हम ये पेस्ट अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, हमने तेल और घी में ये सारा पेस्ट डाल दिया, और हम इसको अच्छी तरह से भून रहे हैं। एक बार हमें लगेगा कि घी तेल शायद थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन नहीं, ये सारा का सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आंवला को तो हम अमृत फल बोलते ही हैं, और इसमें सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं सारी की सारी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, शरीर में एक अलग ही ताकत हमें महसूस होगी। बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए च्यवनप्राश। आप चाहें तो गैस को थोड़ा सा सिम कर सकते हैं, मीडियम आंच पर भी आप इसे सेक सकते हैं।
फ्रेंड्स जो आमले का हम ये च्यवनप्राश बना रहे हैं, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, इसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें जितनी भी जड़ी बूटियां डाली गई हैं, सारी की सारी हमारे लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो आप इसे जरूर से बनाइए, बिल्कुल सिंपल वे है बनाने का। जड़ी बूटियों पर प्लीज ध्यान मत दीजिए कि इतनी सारी जड़ी बूटियां इसमें डल गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा पेस्ट भून के और अच्छी तरह से हलवे की तरह से घूमने लग गया। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, हम डालेंगे 200 ग्राम से थोड़ी कम चीनी। अब चीनी जब तक अच्छी तरह से इसमें मिक्स होगी और थोड़ा सा जो चीनी पानी छोड़ेगी उसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। च्यवनप्राश का कलर भी चेंज हो गया, अच्छी तरह से चीनी मिक्स हो गई और हमने इसे जितना पकाना था पका लिया। अब हम गैस को करेंगे बंद। हमने जो इसमें सामान मिक्स करना है, लौंग, इलायची, नागकेसर, बाकी जो चीजें हैं वो हमारी पाउडर फॉर्म में है। ये वंश लोचन है, इसे हम बिल्कुल लास्ट में मिक्स करेंगे, इसको भी हम पाउडर बना लेंगे। इनका पाउडर बनाते हैं और अंजीर और मुनक्का का पेस्ट बनाते हैं। अंजीर और मुनक्का को हमें चीनी के साथ ही डाल देना चाहिए, जिससे वो चीनी के साथ साथ ही पक जाता है और इसका जो पानी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आज मैं थोड़ा सा भूल गई थी, तो मैंने अंजीर और मुनक्का पहले डाला नहीं, तो मुझे अब इसे फिर से पकाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो पानी है वो भी हमें जलाना है। लौंग इलायची जो है पाउडर फॉर्म में बनाई है हमने, इसको अच्छे से छान के और इसमें डाल रहे हैं। इसका भी एक रीजन है लौंग और इलायची, क्योंकि मैंने पाउडर बनाया है तो ये जो रह गया है इसमें चलनी में, इसे हम चाय पत्ती में डाल देंगे, तो चाय पत्ती में लौंग और इलायची बचा हुआ चला जाएगा। सुशीलास किचन में वेस्ट तो कुछ होता नहीं है। नागकेसर, ब्रह्मी हमारे पास पाउडर फॉर्म में है, ब्रह्मी हम सीधा डाल देंगे इसमें। पीपल, दालचीनी, मलेठी, तेज पत्ता, नागकेसर और वंश लोचन। अब हम इसमें डाल रहे हैं शहद। शहद हमने डालना है 300 ग्राम, 250 ग्राम तो ये हो गया, 50 ग्राम शहद इसमें और डाल देंगे, तो 300 ग्राम शहद हमने इसमें और डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा ग्राम हमने केसर लिए हैं, केसर आप इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से बारीक पाउडर बना के केसर का और मिक्स कर देंगे। ये हमने केसर का पाउडर बना लिया। हम चाहें तो इसे लौंग और इलायची के साथ भी मिक्सी में भी पीस सकते हैं और केसर थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते हैं। च्यवनप्राश हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। खाने के लिए हेल्थ का एक चम्मच डेली आप जरूर लीजिए। आप मानिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहेगा ये च्यवनप्राश। आप खाएंगे तो आपको विद इन 7 डेज महसूस हो जाएगा कि हम कुछ खा रहे हैं। तो प्लीज अपनी फैमिली को हेल्दी बनाए रखने के लिए च्यवनप्राश जरूर बनाइए, वो भी घर में। फ्रेंड्स, अंजीर और मुनक्का प्लीज ध्यान रखिए, चीनी के साथ या चीनी से जस्ट पहले आप डालिएगा। मैं भूल गई थी, एक तरफ रखा रह गया, रेसिपी में ध्यान था तो मुझे बाद में ऐड करना पड़ा। और कुछ नहीं है, थोड़ा सा यदि पानी रह गया तो इसके खराब होने का डर रहता है, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि अंजीर और मुनक्का दोनों में पानी लगा हुआ होता है, इसलिए हमें पहले डालना चाहिए। और आमलों को जो हमने पानी में धोया, वो पानी उबला हुआ होना बहुत जरूरी है, कारण कि यदि पानी कच्चा होगा तो हमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि हमारा च्यवनप्राश खराब ना हो जाए। तो आप चाहे 1 किलो आंवले का बनाइए, चाहे आधे किलो आंवले का बनाइए, पर बनाइएगा जरूर। अपना कमेंट मुझे जरूर भेजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक स्पून इस कोविड के टाइम हेल्थ के नाम, घर में बना हुआ ये च्यवनप्राश आपको बीमारी से भी दूर रखेगा, सर्दी से भी दूर रखेगा, इवन आपको
खांसी जुकाम भी नहीं होगा इस च्यवनप्राश से, क्योंकि इसमें जो सामान हमने डाला है बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है। ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम है और सर्दी में हमारी हड्डियों में भी दर्द होता है। बच्चों की नहीं कह रही, 30 से ऊपर वालों को होता ही है। कभी कमर दर्द हो रहा है, कभी घुटने में दर्द हो रहा है, ठंड से दर्द होता है। तो इन सब के बचाव के लिए हम सबको मेथी जरूर खानी चाहिए सर्दी में। तो सर्दी में मेथी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हड्डियाँ मजबूत रहती है, घुटने जोड़ों के दर्द सब में आराम मिलता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के लड्डू। दाना मेथी जो होती है वैसे थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ उसमें हमारा लड्डू बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा। कोई बता ही नहीं सकता कि ये मेथी का लड्डू है। जो हम गोंद यूज करने वाले हैं इसमें, वो हम करेंगे बारीक गोंद यूज। यदि आपको बारीक गोंद नहीं मिलता है तो आप मोटा गोंद लेके उसे थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। तो आइए मेरी रेसिपी से बनाते हैं मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू बनाने के लिए हम आधा कप मेथी पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं। दाना मेथी जो होती है उसे मिक्सी में घुमा लो या मार्केट में पीसी हुई मिल जाती है, और इसे हम दूध में भिगो देंगे। इस तरह से मिलाते हुए इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी और इसे लगभग 3-4 घंटे के लिए हम रख देंगे। ये देखिए ऐसे टाइट हमने इसको मेथी को दूध में भिगो दिया। इससे क्या होगा, मेथी का कड़वापन है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। 3-4 घंटे भीगने के बाद मेथी को हम मिक्सी में इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे और ये ऐसा पाउडर बन जाएगा इस तरह से। ये देखिए अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए घी हमने डाला लगभग 1.5 टेबल स्पून और इसमें हम ये मेथी डाल देंगे और मेथी को हम अच्छे से भून लेंगे। गैस को बहुत तेज नहीं रखेंगे, लो मीडियम फ्लेम पर हम मेथी को अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए मेथी हमारी सिक गई है। गैस को बंद करके और ये मेथी हम एक साइड में रख देते हैं। आधा कप हमारी मेथी थी, इसमें हम 2 कप आटा लेंगे। ये 2 कप आटा है और इसे खुले घी में सेकना शुरू कर देंगे। ये देखिए मतलब जो हमारा ये आटा भुन रहा है ये थोड़ा सा पतला रहना चाहिए, क्योंकि इसी में हमने बाकी सामान भी सेकना है। तो हम इसमें घी थोड़ा और डालेंगे। ये देखिए आटा हमारा अच्छी तरह से फूल रहा है। ये देखिए थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें बाकी का सामान डालेंगे। 15 से 20 काली मिर्ची हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए और ये काली मिर्ची अच्छी तरह से साथ साथ सिकती रहेगी और इसका जो तीखापन है वो खत्म हो जाता है। आटा हमारा लगभग सिकने जैसा हो गया। अब हम इसमें क्या डालेंगे, गोंद। ये देखिए ये गोंद, ये 3/4 कप हमने गोंद इसमें डाल दिया और गोंद बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गया। और देखिए घी बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही थोड़ा है, तो हमें ज़रूरत होगी तो हम घी और डालेंगे इसमें। 1/2 कप ही हम इसमें मखाना डालेंगे। मखाने को भी हमने पाउडर बना रखा है। 1/2 कप ही हम बादाम डाल देंगे। बादाम भी एकदम चूरी की हुई है लेकिन ये घी के अंदर साथ साथ भुनता रहेगा अच्छी तरह से, और जो इसका टेस्ट है भुने हुए बादाम का वो बहुत ही अच्छा आएगा। काजू हमने लिया है 1/4 कप। कोकोनट ये भी 1/2 कप डाला है। घी बिल्कुल कम हो गया, एकदम चूरी जैसा हो रखा है ये। अभी हम इसमें मेथी मिक्स करेंगे
फिर यदि जरूरत हुई तो हम घी डालेंगे। ये हम डाल दें मिक्स सीड्स। ये 100 ग्राम हमने इसमें खसखस डाली है। ऑप्शनल है, आपको पसंद हो डालिए, लेकिन ये सर दर्द के लिए, हड्डियों के लिए, कमर दर्द के लिए खसखस बहुत अच्छी रहती है, तो सर्दी में खसखस भी खानी चाहिए। आप इसमें अखरोट और चिरौंजी भी डाल सकते हैं। मेरे घर में लड्डू में अखरोट और चिरौंजी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं नहीं डाल रही। आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ये मेथी मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को हम कर देंगे बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम चाहें तो इसमें बूरा चीनी, देसी खांड या गुड़ वाली शक्कर, जो चीज आप पसंद करते हैं वो आप मिक्स कर लीजिए। मैं जो भी लड्डू बनाती हूँ वो बूरा चीनी से बनाती हूँ। गोंद भी आप कम या ज्यादा रख सकते हैं। आटा तो इतना ही डलेगा जितनी हमारी मीठी होती है, उसका 3 हिस्सा आटा हम डालते हैं। गोंद डबल भी डाल सकते हैं और बराबर का भी डाल सकते हैं, गोंद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। हम इसमें बूरा चीनी मिलाएंगे, लगभग 300 ग्राम के करीब चीनी डलेगी, लेकिन आप चाहें तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे हम मिक्स करेंगे और इससे लड्डू नहीं बनेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा घी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा ये इलायची पाउडर डाल दिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा पिस्ता मिला लेंगे। पिस्ते का कलर तो बहुत अच्छा लगता ही है और खाने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए, ये लड्डू बन रहा है हमारा। इससे ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस तरह से आप लड्डू बना लीजिए और लड्डू बनने के बाद इस पर पिस्ते का थोड़ा सा पाउडर लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से आप सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार हैं और आप लोग जरूर से सर्दी में ये लड्डू खाइए, बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे। आपको ताकत मिलेगी, जोड़ों का दर्द कभी नहीं होगा। सर्दी में मेथी जरूर खानी चाहिए। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, सुशीलाज किचन में बनने जा रहे हैं आज लड्डू। सर्दी वाले लड्डू नहीं, जिन्हें हम गर्मी में भी खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही बढ़िया। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्लूटन फ्री लड्डू। तो जो लोग गेहूं नहीं खा सकते ना, बहुत से लोगों को आजकल गेहूं बंद हो जाती है, तो वो भी इन लड्डुओं को एंजॉय कर पाएंगे। आइए बनाते हैं ग्लूटन फ्री लड्डू। हमने लिया है 2 कप ग्लूटन फ्री आटा, जिसमें जो का आटा है, खापली वीट का आटा है और ये है थोड़ा सा रागी का आटा, बिल्कुल 1/4 कप बोल सकते हैं आप रागी का आटा। कढ़ाई में हमने लिया है घी। घी लिया है मैंने बिल्कुल अंदाजे से, क्योंकि मैं आपको बता दूंगी भी कितने घी की हमें कैसे कैसे पेस्ट की ज़रूरत है, सीखते टाइम आटा कितना घी रहना चाहिए। ये देखिए, ये देखो आटा बिल्कुल सूखा सूखा है ना, तो हम इसमें थोड़ा घी और डाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए थोड़ा सा घी हम और डालेंगे। आटे को ना बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। रागी मैंने इसलिए डाला है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है और भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो थोड़ा सा रागी मैंने मिक्स कर दिया। इसकी जो फ्लेम है ना, वो हम मीडियम हाई रखेंगे,
बिल्कुल लो नहीं रखेंगे आटे को सेकने के लिए। ये देखिए आटा हमारा अच्छा खासा भुनने लग गया है, ये देखिए खुशबू भी आ रही है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। आटा अच्छी तरह से भुन गया, गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और ये एक कप डालेंगे हम मखाने का पाउडर। देखिए ये बादाम का जो पाउडर है, पूरी तरह से पाउडर नहीं है, दरदरापन है बादाम में, और इसे हमने मिक्सर में किया है। ये देखिए बिल्कुल दरदरा दरदरा बादाम है ये, और ये भी इसमें अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। गरम गरम आटा है ना, इसमें बादाम एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। गैस को हम बंद करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए सूखे हुए रोज़ पेटल्स हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे, इस तरह से करके हम इनको, ये देखिए। थोड़ा हम डाल देंगे इसमें पिस्ता, ये देखिए, और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये रोज़ पेटल्स है ना, ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है, और गर्मी में हम बना रहे हैं लड्डू, तो रोज़ पेटल्स वैसे भी अच्छी लगेगी, और गुलाब के जो फूल होते हैं ना वो वैसे भी अच्छे होते हैं। पिंच भर डालेंगे हम इसमें काली मिर्ची, ये बिल्कुल पिंच भर काली मिर्ची डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। थोड़ी सी डालेंगे हम ये छोटी इलायची जो होती है ना, ग्रीन इलायची, उसके दाने अच्छे से पाउडर बना लिए और मिक्स कर देंगे। और ये देखिए ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है ना, इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा घी और डालेंगे, क्योंकि अभी इसमें देसी खांड मिक्स करनी है मीठे के लिए। ये देखिए अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। लड्डू में मीठा हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसमें खांड मिलाएंगे। ये देखिए अब हम इसमें मिलाएंगे मीठा। मीठे में मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी, जो लोग वाइट चीनी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आप गुड़ वाली शक्कर डाल लीजिए, ब्राउन शुगर डाल लीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। और जो लोग चीनी भी नहीं पसंद करते, स्टीविया पाउडर डाल लीजिए, मीठा तो चाहिएगा चाहिएगा ना, तो जो मीठा आपको पसंद हो वो डालिए। मैं डाल रही हूँ इसमें देसी खांड। इस तरह से हम इसके लड्डू बना रहे हैं, और ऐसे ये जो आटा है ना, इसमें गेहूं का आटा हमने नहीं डाला, ग्लूटेन फ्री आटा है, तो इसमें थोड़ा सा हमें ना घी हल्का सा ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, वरना ये ऐसे बिखरेंगे, ये देखो ऐसे बिखरेंगे, बंधेंगे नहीं लड्डू, ऐसे बाइंड करना भी तो ज़रूरी होता है ना। ये देखिए ऐसे हम ये सारे लड्डू बना लेंगे।